दिल्ली चिड़ियाघर में मेन एंट्री से पहले ही आपका स्वागत कर दिया जाता है। वेलकम टू नेशनल जूलॉजिकल पार्क। देख सकते हो काफी हरा भरा दिख रहा है, बाकी आसपास काफी ज्यादा स्पेस दिया हुआ है जहां से आप लोग ऑनलाइन टिकट काट सकते हैं। यहां पे ऑफलाइन टिकट नहीं कटता है और यहां से मेन एंट्री होता है और साथ में कैंटीन भी है। आसपास कार पार्किंग है जहां पे आप लोग कार बाइक वगैरह पार्किंग कर सकते हो जिसमें कुछ पैसे लगते हैं। उसके पास में ही लैट्रिन बाथरूम का भी सुविधा मिल जाता है। तो गाइस देख सकते हो अभी हम लोग चिड़ियाघर के अंदर एंटर, चिड़ियाघर में एंट्री करते ही ऐसा सीन दिख जाता है। एक तरफ से घूमने के लिए जाते हैं और एक तरफ से वापसी घूमकर आते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सेल्फी पॉइंट बना हुआ है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं सेल्फी ले रहे हैं। होता है मेन जर्नी का शुरुआत। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं एक एक करके बारी बारी से अलग अलग प्रजातियों के जानवर, अलग अलग प्रजातियों के पक्षी। चलिए दिखाते हैं। यहाँ पे मिल गया गाइड बोर्ड, इधर को मिलेगा देखने को शेर पूंछ बंदर, बबूत, टोपीदार बंदर, पांडा हिरन, सांभर हिरन और गौर, चीतल हिरन, भारतीय गैंडा, रेप्टर, रंग बिरंगे पंछी, अफ्रीकी हाथी, काला मृग, जल पक्षी, छोटी बिल्लियां, संघाई हिरन, बारसिंगा हिरण, लकर बग्गा, दरियाई घोड़ा, श्वेत मिरिक, धनेश, पंकल मगरमच्छ, एशियाई सिंह। दोस्तों ये देखिए, ये है शेर पूंछ बंदर। इनका नाम है शेर पूंछ बंदर, जो कि ब्लैक मंकी भी कह सकते हैं। पर दोस्तों आपको बता दें कि ये विलुप्त हो रहे प्राणी हैं, ये जल्दी देखने को नहीं मिलते। यहाँ पे देख सकते हो पीछे नीलगाय है, जो कि एक हिरण का ही प्रजाति है, बट इसे नीलगाय कहा जाता है। देख सकते हैं आप सभी लोग। गाइस ये इसके बड़े बड़े चोंच होते हैं, क्या बोलते हैं, बहुत आसान होता है इनका काम होता है। देख रहे हो दोस्तों, बहुत लोग घूम रहे हैं, बहुत ही लोग, ये देखो फोटो ले लेते हैं। ये देखो ये जो एनिमल है, इस एनिमल का नाम है हेमेड्रस बैबू नामक एनिमल है, जो कि ये लोग बहुत झुंड में रहते हैं, लेकिन यहाँ पे अकेला भी। ये देखो दोस्तों, ये पांडा का समूह है, इसमें पांडा बहुत सारे हैं, जिनका शरीर सुअर की तरह होता है, बट ये सुअर नहीं है, ये पांडा हिरन इसका नाम है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, ये नज़ारा वाकई बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे जानकारियाँ लिखी हुई है, आप लोग पढ़ सकते हो। गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे सांभर हिरण का झुंड है सामने, दिखाओ भाई, जूम करके दिखाओ। ये देखो भाई, यहाँ पे फोगट का पी रहा है बंदा। अरे ये बहुत अच्छा है। इधर को दोस्तों छोटी बिल्लियां, संघाई हिरण, बारहसिंगा, लकड़बग्घा, दरियाई घोड़ा, श्वेत मिरिक, मगरमच्छ, सब कुछ दिखेगा आगे। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों गौर नामक एनिमल है, जो कि एक विलुप्त हो रही प्रजातियां है गौर का। ये दुनिया की सबसे बड़ी गाय मानी जाती है। इसके सूंघने और सुनने की क्षमता बहुत तेज होती है, किंतु इसकी देखने की क्षमता कमजोर होती है। आप सभी लोग देख सकते हो ये सब विलुप्त हो रही प्रजातियां हैं। देखो यहाँ पे गाड़ी से भी घूम सकते हैं, टूर वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, सभी लोगों को बताया कि नेशनल जूलॉजिकल पार्क में बहुत सारे प्रजाति पाए जाते हैं। यहाँ पे हिरणों का भी बहुत सारा प्रजाति है। यहाँ पे देख सकते हो एक प्रजाति का समूह यहाँ पे है। देखिए ये भ्रूसिंगी हिरण का प्रजाति है। जैसा कि आप सभी को पहले ही बता चुका हूँ कि हिरणों का बहुत सारा प्रजातियाँ होती है, जिसमें से एक प्रजाति ये भी है भ्रूसिंगी हिरण का। देख सकते हो कितना खूबसूरत जानवर है, कितना खूबसूरत एनिमल है, बहुत ही मस्त। देख सकते हो इसका सिंह अजब ही टाइप से है, अजब गजब टाइप से दिया हुआ है, इसलिए इसे बोलते हैं भ्रूसिंगी हिरण। चार सिंह वाले इस हिरण को भ्रूसिंगी हिरण इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो सिंह है, देख सकते हो किस प्रकार से और ढांचा है सिंह का। ये भी हिरण का एक प्रजाति है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा
बहुत ही अच्छा नेशनल जूलॉजिकल पार्क दिल्ली। देखो गाइस ये भी देखो भ्रू सिंघी हिरण का एक प्रजाति है, इसमें अभी ये छोटे छोटे हिरण हैं इसलिए इनका जो सिंह वगैरह है अभी नहीं आया हुआ है और ये बच्चे जल्दी ले, जल्दी ले, आगे आगे। ये देखो मूर कितना अच्छे से पंख फैला। यहाँ पे गैंडा का प्रजाति मिले, देखिए यहाँ पे गैंडा, ये गैंडा है, यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है। गैंडा देखिए घास चल रहा है, उसके साथ में एक बकला भी है। बाकी इधर देखो कितना अच्छा, वाकई बहुत ही सुंदर नज़ारा है। ये गैंडा का प्रजाति है दोस्त, खतरनाक भी होते हैं। आप लोग तो जानते हैं कि गैंडे बहुत ही मजबूत होते हैं, जिन पे वार भी किया जाता है तो असर नहीं करता है, बहुत ही मजबूत जानवर होते हैं। ये दो गैंडे यहाँ पे दिख रहे हैं, ये बहुत ही मजबूत और बहुत ही शक्तिशाली एनिमल होता है। ये देखिए मोर, बहुत ही सुंदर मोर है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। वाओ गजब। यहाँ पे देखो दोस्तों, इसका नाम है मकाओ, ये दो कलर का है यहाँ पे, नीला एंड पीला। देखो नीला पीला मकाओ है, देखो यहाँ पे नीला पीला मकाओ नामक पक्षी है, बहुत ही खूबसूरत देख सकते हो। यहाँ पे एक ऊपर भी है, गजब पक्षी है। वाओ गजब का नजारा। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो ऊपर, सकते हो वहाँ पे ये मिलिटेरी मकाओ जो कि बहुत ही खूबसूरत दिखता है। यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हो इसके बारे में। चलो यहाँ पे लाल और हरा मकाओ है, देख सकते हो लाल हरा मकाओ। मकाओ कई प्रकार के हैं, इनके भी बहुत सारा प्रजाति होता है दोस्त, जिसमें से लाल हरा पीला नीला कई प्रकार के मकाओ होते हैं। देखो बहुत सुंदर, वाह वाह गजब गजब गजब। नंबर 9 पे है, है ये अफ्रीकी रूसर तोता जो कि काफी खूबसूरत दिख रहा है। यहाँ पे है काला मुर्गा जो कि देख सकते हो आप सभी लोग, इसके बारे में पढ़ सकते हो यहाँ पे। काला मुर्गा तो सभी देखा होगा। और नंबर 11 पे है यहाँ पे, ये नेशनल जूलॉजिकल पार्क दिल्ली में है। यहाँ पे है गोल्डन फेजेट, देख सकते हो यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है, सभी का नाम उसके सामने लिखा हुआ है ताकि पहचानने में आसानी हो। इसके बारे में पढ़ सकते हो, बाकी इसका फोटो देख सकते हो, वीडियो गोल्डन फेजेटा का। यहाँ पे है सिल्वर फेजेट, तो सिल्वर के साथ साथ और भी दो है, देख सकते हो बहुत ही सुंदर दिख रहा है। ये लोग खा रहा है कुछ, अपना चारा वगैरह खा रहा है। यहाँ पे थाली में इसके लिए चारा रखा हुआ है, खाना जो है। यहाँ पे सिल्वर फेजेट प्रकार का देखिए, बहुत सारे लोग देख रहे हैं यहाँ पे। ए तीतर देखिए चल रहा है बहुत ही, और यहाँ पे जाली लगा हुआ है। तो यहाँ पे तितलों का बहुत सारा प्रजातियाँ हैं, यहाँ पे तोतों का भी बहुत सारा प्रजातियाँ हैं, जैसे हीरामन तोता और भी बहुत सारा तोता है जिसके ऊपर में बैठा हुआ है। ये सब तोते हैं, बहुत सारे तोते हैं इसमें, तोतों का बहुत सारा प्रजातियाँ हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखो बंदर आइसक्रीम खा रहा है, बहुत ही क्यूट लग रहा है। दिखाओ भाई यहाँ पे मंकी कितना, देख सकते हो गाइस यहाँ पे मंकी कितना बढ़िया है, अब बस एक चाटा मार दे इनको मजा आ जाएगा। बहुत सुंदर आइसक्रीम खा रहा है गाइस। ये देखो दोस्त काली चील है, इसका मुंह तो लेता है पेड़, ब्लैक काइट। ये ब्राह्मणी चील, ब्राह्मणी चील देखो, एक आंख इधर को देख रहा है एक उधर को। पे घुघू ग्रेट एक घुघू प्रजाति है दोस्तों। अभी हम लोग इधर जाएंगे और देखेंगे मगरमच्छ, अफ्रीकी हाथी, पशु चिकित्सालय सब इधर को है, चलिए चलते हैं और देखते हैं। यहाँ पे हम लोग मगरमच्छ का इंतजार कर रहे हैं, मगरमच्छ जो है अभी पानी में है दोस्तों। एशिया का सबसे जानवर निकल नहीं सकता है बाहर, चिड़ियाघर में आता है, नेशनल जूलॉजिकल पार्क। ये है जंगली सुअर, यहाँ पे देख सकते हो, ये पालतू सुअर का पूर्वज है,
ये जंगली सुअर निडर और साहसी होता है, यह किसी से डरता नहीं है। यह एक ऐसा जानवर है जो झील पर बाघ की बगल में खड़ा होकर पानी पी सकता है। सर्पभक्षी होने के कारण इसे जो कुछ भी आसानी से मिल जाए खा लेता है। यह सब प्रकार का चीज खाता है, किसी अन्य प्राणी की उपस्थिति का अनुमान या गंध के द्वारा आसानी से लगा लेता है। जंगली सुअर बहुत ही तेजी से आक्रमण कर सकता है। दोस्तों यहाँ पे अफ्रीकी हाथी है, देख सकते हो अंदर है, इसे थोड़ा अंदर ही रखा जाता है ताकि भाई बड़ा जानवर है, किसी का नुकसान कर सकता है, बट ऐसे ये लोग कुछ नहीं करते हैं। हजारों की संख्या में यहाँ पे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, घूम रहे हैं, देख रहे हैं, आप लोग देख सकते हो। ये है दोस्तों इंडियन एलिफेंट यानी भारतीय हाथी, आप सभी लोग देख सकते हो इसे प्रेशर के द्वारा नहलाया जा रहा है। ये नेशनल जूलॉजिकल पार्क दिल्ली में इसी क्षेत्र में रहती है हाथी, आप सभी लोग देख सकते हो। आइए यहाँ पर दिखाते हैं आप सभी लोगों को जंगली भेड़िया, जो कि वाकई देखने में बहुत मस्त लग रहा है नज़ारा। देख सकते हो कैसे दिख रहा है इधर को, वाओ कैमरा में ताक दिया, गजब। चलो भाई हम लोग आगे चलते हैं, और भी बहुत सारा जानवर दिखाना बाकी है। आओ आओ आओ। तो भाई कैसा लग रहा है यहाँ पे घूमकर? भाई बहुत बढ़िया लग रहा है, बस गर्मी बहुत लग रही है। अच्छा, तो कोई बात नहीं। अभी हम लोग घूम रहे थे नेशनल जूलॉजिकल पार्क में, यानी कि जो दिल्ली में चिड़ियाघर है, एशिया के अच्छे चिड़ियाघरों में इसको गिना जाता है। उसी वक्त हम घूम रहे थे तो यहाँ पे बहुत सारा जानवर देखा। इसमें यहाँ पे दो लोमड़ी के बच्चे भी दिख गए जो कि यहाँ पे दो लोमड़ी के बच्चे भी हमको मिल गए। यहाँ पे सांप का कोई पता नहीं चल रहा है, और ये लोग कोबरा देखना चाहते हैं। कोबरा जोन होता है, गुप गुप कोबरा भाई, क्योंकि एक कोबरा को तो देख ही रहे हैं, ये रहे वो कोबरा आपके साथ चल रहा है भाई। लेकिन गाइज बहुत ही मजा आ रहा है, हम लोग मात्र 80 रुपए के टिकट में आप लोग नेशनल जूलॉजिकल पार्क को पूरा घूम सकते हो। यहाँ पे जितने भी जानवर हैं, जितने भी पक्षी हैं, सब कुछ देख सकते हैं। सो गाइज देखो यहाँ पे बंदर का बच्चा, ये रहा बंदर और वो रहा उसका बच्चा, बहुत छोटा सा है। यहाँ पे आइए दिखाते हैं आप लोग, दिखाओ, देख सकते हो वहाँ छोटा सा दिख रहा है, इसका बहुत सारा गुफा भी इधर है, बट ये अभी गुफा में नहीं आया है, तो वहाँ पे छुपा हुआ है एक साइड, आप लोग देख सकते हो, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो गाइस तो देखिए सीन, यहाँ पे देख सकते हो व्हाइट टाइगर है जो कि पीछे के मुंह करके बैठा हुआ है, इसलिए अच्छे से नहीं दिख रहा है, बाकी आप सभी लोग देख सकते हो। वाकई ये नज़ारा बहुत सुंदर है, और हम लोग अभी नेशनल जूलॉजिकल पार्क दिल्ली में है, देख सकते हैं नज़ारा, देख रहे हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है नज़ारा। तो आप लोग कुछ चीज़ दिखा रहे हैं, देख लीजिए भाई, दिखाइए बढ़िया से, इसमें चीज़ है दिखाइए, वो देखिए बैठ रहा है चीता इससे। सो हेलो गाइस, तो देखिए टाइगर है, तो आप लोग देख ही रहे हैं, इधर आ जा, ऊंचाई सारी हो रही थी। टाइगर का इलाका है। तो हेलो दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर टाइगर बैठा हुआ पे, आप लोग देख ही रहे हैं, तो जूम करिए, जूम, ये देखिए पूरा टाइगर का इलाका है, यहाँ पे टाइगर आता है, व्हाइट टाइगर देख सकते हो उसका, यहाँ पे वो है मान है, गुफा है बनाया गया है। ये देख सकते हैं गाइज, बहुत सारे लोग गाड़ियों से घूम रहे हैं, जिनको चलने में परेशानी है, या जो लोग बुजुर्ग हैं, या जिनको गाड़ियों से घूमने का इच्छा है, वो लोग गाड़ी से भी घूम सकते हैं, लेकिन पैदल घूमने का मज़ा ही कुछ और है, अलग ही मज़ा है, जो कि पैदल घूमकर पूरा देख सकते हैं, अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। गाड़ियों से तो केवल आपको रोड ही घुमाएगा, इसलिए आप लोग को घूमना है अच्छे से तो आप लोग पैदल ही घूमें। यहाँ पे बाघ रहता है, आइए आप सभी लोगों को दिखाते हैं, लेकर आओ भाई, आइए आप सभी लोगों को दिखाते हैं टाइगर। देखो बहुत ही अच्छा नज़ारा है सामने से, टाइगर मैंने पहली बार देखा है दोस्त, नेशनल जूलॉजिकल पार्क दिल्ली में है ये, बहुत सुंदर नज़ारा, बहुत ही अच्छा दिख रहा है, देखो गजब का है, वाओ खा रहा है कुछ लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा,
बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। वाओ देखो चल रहा है, टाइगर चलते हुए पहली बार देख रहा हूँ दोस्त, बैठ गया। अब आओ गाइज आप सभी लोगों को दिखाते हैं शुतुरमुर्ग, क्योंकि आप लोग जानते हो शुतुरमुर्ग कंकड़ पत्थर भी खा लेता है। गाइज ये देखिए शुतुरमुर्ग, पक्षियों का सबसे बड़ा प्रजाति माना जाता है शुतुरमुर्ग को, जो कि इसका अंडा भी सबसे बड़ा होता है पक्षियों में। देख सकते हो आप सभी लोग कैसे चल रहा है, बहुत खूबसूरत नज़ारा, नेशनल जूलॉजिकल पार्क दिल्ली। वाकई गजब, ये देख सकते हो दोस्त शुतुरमुर्ग है, जो कि शुतुरमुर्ग पक्षी का सबसे बड़ा जीवित प्राणी है। इसकी दृष्टि जो है बहुत ही दूर से होती है। तो हेलो गाइस, तो सब घूम लिए तो पे काला हंस आप लोग देख सकते हैं, ब्लैक हंस, काला हंस नेशनल जूलॉजिकल पार्क। तो आप चल रहे हैं आप घर की तरफ, तो बाहर निकल रहे हैं पार्क से, तो आप लोग वीडियो में बन रहे हैं। तो देखिए मेरा भाई है चल रहा है यहाँ पे, तो चले क्या यहाँ से, अच्छा है। और है इधर है घोड़े, चलो चलो।